हे एवरीबॉडी, वेलकम टू मोमा टियारा। मैं हूँ करोबी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी मेरे कुर्तीज़ के कलेक्शन। और ये वीडियो सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पे। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, माय कलेक्शन सीरीज़, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं अपने जितने भी कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी मेरे कुर्तीज़ के कलेक्शन। और कुर्तियाँ हमारे पास बहुत सारी होती है, तो सभी कुर्तियाँ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, पर मेरे 10 फेवरेट कुर्तियाँ मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊँगी, जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्तीज़ है जो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पसंदीदा जो कुर्ती है वो है एक ऑफ वाइट कलर में, और ये है ये कुर्ती जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। और ये ऊपर एक इसका श्रग है, श्रग डिज़ाइन में है ये, और ये ऊपर श्रग है और अंदर इसका इस तरह का ऑफ वाइट कलर में ये है। और ये कुर्ती एक्चुअली सिल्क का मटेरियल में है, और ऊपर का जो है ये थोड़ा सा जो चंदेरी सिल्क होता है उस तरह का है, और इसके ऊपर इस तरह का थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क है, और बहुत ही प्रेटी ये कुर्ती है। तो ये मैंने लिया था पेंटलून से, और इसका प्राइस हुआ था 299, इस तरह का इसका प्राइस हुआ था। क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर इस तरह का श्रग है, और अंदर भी एक कुर्ती है जिसको मैं अलग से स्टाइल कर सकती हूँ, श्रग को मैं अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। तो ये कुर्ती मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और बहुत वर्सेटाइल भी है। इस तरह का कुर्ती आपके पास भी एक ज़रूर होना चाहिए, और ये ऑफ वाइट कलर में है, बहुत ही अच्छा लगता है, एलिगेंट सा लुक आता है। तो ये कुर्ती मेरा सबसे पहला कुर्ती है और बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो नेक्स्ट जो कुर्ती है ये भी मेरा बहुत पसंदीदा है, और मैं इसको बहुत बाहर पहन चुकी हूँ, वीडियोस भी मैंने बनाया है। तो ये कुर्ती जो चेक में है, चेक प्रिंट में है इस तरह का, और इसके नीचे इस तरह का फ्रिल दिया हुआ है जिसमें लेस अटैच किया हुआ है, और आजकल इस तरह का स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो इस तरह का ये कुर्ती है, और ये मैंने लिया था ट्रेंड से, और इसका ब्रांड है अवासा। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। इसका फ्रंट में इस तरह का बटन लगा हुआ है, पर ये फ्रंट ओपन नहीं है, बस इस तरह का डिज़ाइन है, और यहाँ से कमर से इसका टच किया हुआ है इस तरह से। जो कुर्ती मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और इसके नीचे भी इस तरह का लेस लगा हुआ है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और इसको भी है, और ये प्योर कॉटन में है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये कुर्ती भी। और सेम इसी तरह का मेरे पास इस चेक पैटर्न में मेरे पास और भी एक कुर्ती है। एक्चुअली क्या होता है, जो चेक पैटर्न्स में जो कुर्तीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ही देखने में अच्छा लगता है, स्मार्ट लुक देता है। तो इस तरह की कुर्ती एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और उसी तरह का सिमिलर मेरे पास एक कुर्ती है जो कि है ये, जो भी मैंने आपको शायद ये भी आपने देखा होगा, ये कॉलर नेक में है, और इसका फ्रंट इस तरह का ओपन फ्रंट है, और ये कुर्ती भी कॉटन है, और इसका इस तरह का लगा हुआ है, और ये ए लाइन कुर्ती है। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, ये दोनों ही चेक प्रिंट में है, तो चेक प्रिंट का कुर्ती ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है, तो मैं कहूँगी ये मस्ट हैव में आता है। जो कुर्ती है वो है ये कुर्ती, और ये भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। ये पीच कलर में है, जब भी ये समर टाइम में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह का कलर बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप देख सकते हो फ्रंट में इस तरह का डिज़ाइन है इस कुर्ती का, और ये कुर्ती मैंने लिया था मैक्स से। तो जितने भी कुर्ती इसके लिंक्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप ज़रूर चेक कर। नेक्स्ट कुर्ती है ये है ये, और ये कुर्ती एक्चुअली मैंने बनाया था फैब्रिक ख़रीद के, और क्योंकि मुझे एक पोल्का डॉट्स में एक कुर्ती चाहिए था, मुझे मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये सिलवाया है। तो इस तरह की कुर्ती आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एज ए ड्रेस भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, कोई लेगिंग्स कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं, और इसके नीचे लाइनिंग मैंने दिया है, और ये मस्टर्ड येलो कलर में है ये कुर्ती, और नीचे आप देख सकते हो इस तरह का लाइनिंग मैंने दिया है इसमें। और ये कुर्ती इसके डिज़ाइन इस तरह का है, इसके फ्रंट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है अटैच किया हुआ है, और ये भी ए लाइन कुर्ती है। तो अगर आपका थोड़ा टबी फैट भी है ना, तो इस तरह की कुर्ती बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप
के पास आप इस तरह के कुर्ते सिलवा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और ये पोलका डॉट्स में ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कुर्ती भी मेरा बहुत पसंदीदा कुर्ती है। नेक्स्ट कुर्ती है, ये थोड़ा पार्टी वेयर कुर्ती है, और ये कुर्ती मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक साड़ी से ये कुर्ती बनाया था। तो ये एक अनारकली काइंड ऑफ कुर्ती है, आप देख सकते हो नीचे इसका थोड़ा घेरा है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर इस तरह का है, और इसके फ्रंट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। फुल स्लीव कुर्ती है ये, और ये थोड़ा पार्टी वेयर कुर्ती है, ये हम डेली यूज़ के लिए नहीं पहन सकते हैं, पर मैंने इसको साड़ी से बनाया था। और उसके पीछे का बैक का डिज़ाइन आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं दिखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्तियों में से एक कुर्ती है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का रॉयल ब्लू कलर में है, और मैंने इसको साड़ी से बनाया था। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखता है। तो इस तरह की कोई साड़ी है आपके पास तो आप इससे ज़रूर इस तरह की कुर्ती बना सकते हो। आप फैब्रिक खरीद के भी आप इस तरह की कुर्ती सिलवा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, और ये है ये कि ग्रीन कलर में है, ये बॉटल ग्रीन कलर में है, और इस तरह का इसके फ्रंट में कुछ एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और इस एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इस तरह की डिज़ाइन को अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो, इस तरह के डिज़ाइन को कुछ सिलाई को कुछ कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ये कुर्ती है, और ये कुर्ती एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट कुर्ती है, आप देख सकते हो नीचे भी इस तरह का डिज़ाइन है इस कुर्ती का। तो ये भी कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, और मैंने शायद एक दो वीडियो में ये पहना है, तो आप लोगों ने मुझे लिंक्स भी पूछा था। तो मैंने इसको एक्चुअली लिया था मिंत्रा से, और इसका ब्रांड है लेवास। तो इस कुर्ती का लिंक मेरे पास ज़रूर होगा, मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है शॉर्ट। इसको मैं कभी कभी स्टाइल करती हूँ क्यूलोट्स के साथ, कभी मैं इसको जीन्स के साथ स्टाइल करती हूँ, कभी मैं इसको नीचे स्कर्ट पहनती हूँ और साथ में दुपट्टा लेती हूँ, तो बहुत ही गॉर्जियस सा एक लुक आता है। तो इस तरह की कुर्ती बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होती है। ये रेयन मटेरियल में है, और जैसे मैंने कहा ये मिंत्रा से लिया था मैंने, तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। तो नेक्स्ट जो मेरा पसंदीदा कुर्ती है, ये मस्टर्ड येलो कलर में ये कुर्ती है, और तो ये कुर्ती आप देख सकते हो इसके फ्रंट में इस तरह का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और ये भी प्योर कॉटन में कुर्ती है, और इसका हाथों में आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और फ्रिल डिज़ाइन में है ये कुर्ती। तो मुझे ये कुर्ती भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। ये लॉन्ग है कुर्ती, और इसको ये कुर्ती प्लाजो सेट है, तो ये मस्टर्ड येलो कलर में है, और इसका ब्रांड है भामा कोचर, जिसको मैंने लिया था मिंत्रा से। तो ये कुर्ती भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, और ये कुर्ती प्लाजो सेट है, और इस तरह की कुर्ती आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, कंफर्टेबल है, समर टाइम में बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती है, और प्योर कॉटन में है ये कुर्ती। तो नेक्स्ट जो कुर्ती है ये है, ये प्लेन सिंपल एक कॉटन कुर्ती है, जो इस तरह की ग्रीन कलर में है, और इस तरह की कुर्ती ना आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए। और सेम इसी तरह का मेरे पास और भी एक कुर्ती है, जो इंडिगो ब्लू कलर में है, जो आप देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ये दोनों कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये कॉटन कुर्ती है, समर टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस तरह की कुर्ती आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, आप बहुत सारे तरीके से इसको पहन सकते हो। तो मेरे पास इस तरह की एक इंडिगो ब्लू कलर में है, और इस तरह का एक ग्रीन कलर में है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। और तो नेक्स्ट जो कुर्ती है, जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, ये है ये, और ये ब्लैक कलर में है, और इसके सामने फ्रंट में कुछ इस तरह का है, और नीचे ये कुछ इस तरह का है, इसके नीचे लाइलिन दिया हुआ है। तो ये जॉर्जेट मटेरियल में है ये कुर्ती, और ये मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है। इसको एज ए ड्रेस भी मैं पहन पाती हूँ, और कुर्ती भी पहन पाती हूँ, इसके साथ में दुपट्टा ले सकती हूँ, इसको जैसे मैंने कहा एज ए ड्रेस भी पहन सकती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कुर्ती मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और इस तरह का कुर्ती भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसको मैं बहुत सारे तरीके से पहन सकती हूँ। इसके ऊपर मैं अगर कोई क्रॉप टॉप पहन लूँ तो ये अलग सा एक ड्रेस बन जाएगा। तो इस तरह की कुर्ती भी आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए, और ये मेरा
बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है जो आप देख सकते हो। और तो नेक्स्ट जो कुर्ती है जो भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती है, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी पहना है और मैंने बहुत बार शायद पहना है, जो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और ये है ये कुर्ती जो मैंने लिया था पेंटालून से, और ये मुझे सेल में मिला था एक्चुअली, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुर्ती है, जो येलो कलर में है इस तरह का एक, और आप देख सकते हो ये चंदेरी सिल्क में है एक्चुअली ये कुर्ती, और इसके साथ ये पैंट है जो ऑफ वाइट कलर में है, और ये कुर्ती पैंट इस तरह का सेट ही मुझे मिला था, जो मुझे शायद मैंने इसको 1000 रुपीज़ में लिया था। तो ये कुर्ती मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और इसके हाथों में कुछ इस तरह का आप देख सकते हो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, सिंपल कुर्ती है, जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अगर आप पार्टी वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये आप ऐसे ही कहीं पे जा रहे हो सिंपल आपको कुछ ड्रेस पहनना है तो भी आप पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की कुर्ती, और मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्ती ये भी है। तो ये मैंने जो दिखाई आपको जो कुर्तीज़ मैंने दिखाई वो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुर्तीज़ है, और मैंने शायद 10 नहीं उससे ज़्यादा आपको दिखाए हैं। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और कुर्तियाँ जैसे मैंने कहा पहले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, पर मैंने आपको बस कुछ ही दिखाए हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, ज़रूर लाइक कीजिए, और नए हैं मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।